वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो शहर में दुर्घटनाओं की संख्या काफी मात्रा में बढ़ रही है। रोज की भीषण हादसों की खबर सामने आती है, जिस पर नकेल कसने के लिए नागपुर पुलिस दल द्वारा आवश्यक वहां पुलिसकर्मी तैनात करने की बात पुलिस आयुक्त रविन्द्र सिंघल ने कही है। जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविन्द्र सिंघल ने बताया कि शहर में बहुत सारे काम चल रहे हैं, तो कई बारिश के कारण यातायात में अवरोध निर्माण हो रहा है, जिसके चलते आवश्यक वहां डायवर्जन जैसी प्रक्रिया कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही वर्तमान में बढ़ रहे सड़क हादसों के मद्देनजर निर्माण कार्य को अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्टर्स को सख्त हिदायत दी गई है कि कंस्ट्रक्शन की जगह आवश्यक वहां सुरक्षा मापदंडों का इस्तेमाल किया जाए, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि शहर सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक है उस जगह मनुष्य बल को पूर्ण करने के लिए तैनाती और स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। कि जो है बहुत सारे काम चल रहे हैं शहर में, आपको भी मालूम है, ब्रिजेस के काम चल रहे हैं, हम डाइवर्ट करेंगे तो उससे आगे प्रेशर होता है, तो वो एक ऑनगोइंग इश्यू है जो कुछ दिनों के लिए है। अभी 15 अगस्त तक एक जो है ब्रिज शुरू हो जाएगा, उसके अलावा इस साल में कई सारे ब्रिजेस शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और डाइवर्ट, क्योंकि अभी बारिश भी है तो उसकी वजह से भी कभी पानी की वजह से ही हो जाता है, परंतु ये इसके ऊपर सॉल्व करने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, परंतु यहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, यहाँ पे डाइवर्जन हो गए हैं, उसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम होती है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।